हेलो एवरीवन, इट्सी बिट्सी से मैंने शॉपिंग किया है आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाइज का, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो नॉन स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सब कुछ मैंने खुद परचेस किया है, मैंने मनी पे किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इट्सी बिट्सी एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ से आप क्राफ्ट सप्लाइज परचेस कर सकते हो, और इट्सी बिट्सी के स्टोर्स भी अवेलेबल है ऑफलाइन, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। मैंने ये जो लिया है वो मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग की है। तो इस तरह से कुछ पैकेजिंग है। ये कार्डबोर्ड के एक बड़े से बॉक्स में आया है, और उसके बाद अंदर इस तरह से प्लास्टिक की बैग्स के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो पैक्ड होती है। सबसे पहले मैंने परचेस किया है डिको मैजिक डिको 5 ग्लू। ये ग्लोसी फिनिश देता है, इसमें आपको मैट फिनिश भी मिल जाएगा। इसको आप जो डिकोपाज वर्क करते हो उसमें यूज़ कर सकते हो, और भी जो क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कोई वर्क करते हो तो उसको सील करना ज़रूरी होता है, तो ये एज अ सीलर भी वर्क करता है। नेक्स्ट है वन स्टेप क्रेकल मीडियम। इसको आप वुड, ग्लास, पेपर, मेटल, प्लास्टिक, सिरामिक, टेराकोटा, इस तरह की जो सरफेस होती है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली एक क्रेकल इफेक्ट देता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये नेक्स्ट है ट्विन मार्कर। ये बेसिकली परमानेंट मार्कर है, आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है ये स्टेंस। ये स्टेंसिल में इस तरह के तीन डिज़ाइन से तीन पैटर्न्स है, और एज अ बॉर्डर जो हमें जो डिज़ाइन चाहिए उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया लाइफ डेको ट्रांसफ़र शीट। यहाँ पर बैक साइड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर जो इमेज है उसको किस तरह से कट करना है, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ये जो इमेजेस है उसको कैसे ट्रांसफ़र करना होता है। वुड, प्लास्टिक, ग्लास, लेदर, मेटल, पेंटेड सरफेस, MDF, पेपर, इस तरह की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आप ये इमेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो और डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ली है और एक ये स्टेंसिल। इसकी हेल्प से आप इजीली सरफेस के ऊपर इस तरह की डिज़ाइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉल, ग्लास फर्नीचर, टेक्सटाइल्स, वुड, मेटल, MDF, कैनवास, कार्ड्स, और कोई और भी जो पेंटेबल सरफेस होती है उसके ऊपर हम ये जो डिज़ाइन है उसका यूज़ करके उसको डेकोरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ये कलमकारी कार्ड स्टॉक। इसमें 12 सीट्स आती है और ये जो सीट्स है वो 250 GSM की है। इस तरह से 12 सीट्स के अंदर अलग अलग 12 डिज़ाइंस मिलेगी और इसका आप यूज़ करके कार्स बना सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसको कैसे यूज़ करके घर को डेकोरेट कर सकते हैं या फिर DIY कर सकते हैं। Thank you.
ऑल राइट, तो ये आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।